नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आडेल ब्लॉक में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में आज तीसरे दिन भी खिलाड़ियों ने जोश व उत्साह से भाग लिया। सीबीईओ अमर सिंह गौतारा ने कहा कि आज कबड्डी खेल में मालपुरा एवं बांड के टीम के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें बांड टीम विजेता रही। प्रधान प्रतिनिधि नगर राम बेनीवाल ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय खेलकूद में विजेता टीम जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेगी। क्रिकेट प्रतियोगिता में आंसुओं की ढाणी टीम विजेता रही। इसी तरह शूटिंग बॉल में फाइनल मैच में अर्जुन की ढाणी को पराजित करके नौकड़ा टीम प्रथम स्थान पर रही। टीम कप्तान बाबूलाल नेहरा ने बताया कि सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच में विजय हासिल की। टीम गांव पहुंचने पर सरपंच विजय जाखड़ ने टीम का स्वागत करते हुए खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया एवं जिला स्तर पर विजय हासिल करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान ACBEO विर्मा राम मांझू, पूनमा राम गोदारा, तेजा राम सियोल, सवाई राम सुथार, दमा राम सरवण, दौला राम सियाग, गौतम अणखिया, जग राम नेहरा, भागीरथ राम ढाका, अध्यापक रमेश खिलेरी, प्रदीप जाखड़, राकेश वर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारे ब्लॉक स्तर अडेल पे बांड के कप्तान खिलाड़ी कबड्डी में सामने मैच था बांड और मालपुरा का। अच्छा प्रदर्शन रहा और बांड के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेके जिला स्तर का चयनित किया और सामने गांव के शोक भी रहा। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे खेले और 5 स्कूल को काट के विजेता की है, इसलिए मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्लॉक स्तर अडेल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 कबड्डी टीम में बांड विन टीम वहां से जब पंचायत से रवाना हुई, वही खिलाड़ी आगे ब्लॉक स्तर पे अच्छी तरह से अच्छा प्रदर्शन करके बोनस और सारी प्रक्रियाएं नियमानुसार करके जीते। और शारीरिक शिक्षक मूला राम जी, जोगा राम जी, पीरा राम जी और अन्य सभी शारीरिक शिक्षकों ने भगवान रूपी निर्णय दिया, वो निर्णय हमें से हर स्वीकार है। बिल्कुल ही ऐसे निर्णय होने चाहिए, भगवान उनके हृदय में भगवान का वास है। इस प्रकार से अभी ये टीम आगे जिला स्तर पर बाढ़ में जाएगी और जब जाएगी उससे पहले हम बाढ़ खेल मैदान में अच्छी तरह से कबड्डी की तैयारी अच्छी तरह से, फिर कोई गलती हुई है हमसे उसमें कोई खिलाड़ियों की उसमें सुधार करके फिर वापस जिला स्तर पर जाएंगे। आशा रखते हैं कि वहाँ भी हम अच्छा प्रदर्शन करके विजेता होने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से ये मेरी शुभकामना।